ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे शब्द रूप और शब्द रूप में पढ़ रहे थे सर्वनाम शब्द। जैसा कि आपको पता है हमारे पाठ्यक्रम में तत्शब्द, इदम शब्द, अस्मत् और युष्मत् ये सर्वनाम रूप हमारे हैं। इनमें से हमने तत्शब्द के रूप तीनों लिंगों में पढ़े। आज पढ़ते हैं इदम शब्द के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। पहले इदम शब्द पुल्लिंग, ये सर्वनाम शब्द है इसलिए आपको पता है इसमें संबोधन नहीं होगा, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक विभक्ति होगी। तो पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है। क्योंकि प्रत्येक विभक्ति में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि आपको पता है संस्कृत में वचन तीन होते हैं, हिंदी में वचन दो ही होते हैं। इधर आपको लिखनी है प्रथमा, रोज लिखते हुए प्रथमा विभक्ति। एक बार विभक्ति पूरी लिखूंगा, उसके बाद केवल वी लिखूंगा, उसके बाद द्वितीया, उसके बाद तृतीय विभक्ति, उसके बाद चतुर्थी, उसके बाद पंचमी विभक्ति, उसके बाद षष्ठी विभक्ति और फिर सप्तमी विभक्ति। संबोधन इसमें नहीं होता। तो इस प्रकार एक से लेकर ये सात विभक्तियां हैं जिन्हें हमें लिखना है फिर याद करना है। जब हम वाक्य रचना करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसमें एक वचन है अयम, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, अयम प्रथमा विभक्ति का। द्विवचन है इमो, बहुवचन है इमे। ये प्रथमा विभक्ति है अयम, इमो, इमे। द्वितीय विभक्ति का एकवचन है इमम, इमो, बहुवचन है इमान। तृतीय व्यक्ति का एकवचन है अनेन, अभ्याम, एबी। अस्मै, आभ्याम चतुर्थी व्यक्ति और एभ्य। पंचमी व्यक्ति अस्मात्, ते के नीचे लंद है, आधा है ते, अस्मात् आभ्याम एभ्य। ये यहाँ सेम है दोनों, चतुर्थी और पंचमी। षष्ठी व्यक्ति अस्य, अन्यो, ऐसा। और सप्तमी व्यक्ति है अस्मिन, अनियोस और एसु। तो इस प्रकार ये सर्वनाम इदम शब्द पुल्लिंग की सात व्यक्तियां हैं, अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, इमान, अनेन, अभ्याम, एभ्य, अस्मे, अस्माभ्याम, एभ्य, अस्मात्, अभ्याम, एभ्य, अस्य, अनियो, एसाम और अस्मिन, अनियो, एसु। ये तो थी इदम शब्द की पुल्लिंग। इस प्रकार हमें स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की भी विभक्तियाँ लिखनी हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अभ्यास पुस्तिका में लिखने में सुविधा रहेगी। इन सारी विभक्तियों को अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और याद भी करना है।
अब हम पढ़ेंगे इदम शब्द की स्त्रीलिंग की विभक्तियां, यानी शब्द रूप, स्त्रीलिंग शब्द रूप। तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। वाक्य जब रचना करेंगे तो इनकी कहाँ आवश्यकता पड़ेगी वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अब इदम शब्द स्त्रीलिंग, इदम शब्द स्त्रीलिंग, इयम, इमे, इमः, इमाम, इमे, इमः। ये द्वितीय व्यक्ति है। तृतीय व्यक्ति अन्या, आभ्याम, आप भी छोटी विसर्ग है, आप भी ही। अस्यै, आभ्याम, आभ्य। पांचवी व्यक्ति अस्यः, आभ्याम, आभ्य। षष्ठी व्यक्ति अस्यः। पंचमी और षष्ठी एक वचन एक जैसी है, अनियो, आसाम, अस्याम, अनियो, आसु। तो यह है इदम शब्द की स्त्रीलिंग की विभक्तियां या शब्द रूप। जब यह है, यह दोनों, ये सब ऐसे शब्दों की संस्कृत बनानी हो और वो पुल्लिंग न होकर स्त्रीलिंग हो तो वह इसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है, केवल प्रथम व्यक्ति का। और बाकी जब इनका प्रयोग, जब इस और इन, ये दो शब्द आ जाए तो आपको इदम शब्द की व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस या इन शब्द स्त्रीलिंग है जिसके लिए प्रयुक्त वो स्त्रीलिंग है तो वहां स्त्रीलिंग शब्द की विभक्तियों का काम आएगी और पुल्लिंग होने पर पुल्लिंग की। इसलिए अलग अलग लिंगों में अलग अलग, जैसे वाक्य देखो, राम इस कक्षा में पढ़ता है। अब इस वाक्य की आप संस्कृत बनाओगे तो ये वाक्य है या एक शब्द है इस। अब इस शब्द की संस्कृत बनाने के लिए आपको इदम शब्द की विभक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये इस शब्द किसके लिए है? कक्षा के लिए। कक्षा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। इसलिए यहां स्त्रीलिंग शब्द की विभक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अब इस है, इसका मतलब एक वचन, और इन होने पर बहुवचन। अगर वाक्य इस प्रकार होता, राम इस कक्षा की जगह विद्यालय होता तो राम इस विद्यालय में पढ़ता है। अब यहां इस शब्द की संस्कृत बनाने के लिए वही बात, इदम शब्द की विभक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ये इस किसके लिए आया है? विद्यालय के लिए। विद्यालय कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। इसलिए यहां इदम शब्द की पुल्लिंग की विभक्तियां काम आएगी, ये स्त्रीलिंग के काम नहीं आएगी। जहां इस या इन शब्द पुल्लिंग के लिए आया है वहां पुल्लिंग की विभक्तियां काम आती है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है वहां स्त्रीलिंग की काम आती है, और अगर शब्द नपुंसकलिंग के लिए इन दोनों का प्रयोग हुआ है तो वहां इदम शब्द की नपुंसकलिंग की विभक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इदम शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और तीनों लिंगों में इसके रूप हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ताकि आपको लिखने में सुविधा रहेगी। अब हम पढ़ेंगे इदम सत नपुंसकलिंग। इदम शब्द नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग की विभक्तियां के लिए आपको पता है कुछ सुविधा है। जैसा कि हमने तत्शब्द की लिखी थी उसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम थी, एक ही थी, पहली थी वही द्वितीय थी, और तीसरी से लेकर सप्तमी विभक्ति किसके हिसाब चल रही थी, पुल्लिंग के हिसाब से, और यही सिस्टम यहां रहेगा। प्रथम व्यक्ति है इदम, एक वचन इदम है, द्विवचन इमे और बहुवचन इमानी, इदम इमे इमानी, ये प्रथमा है, और द्वितीय भी यही है इदम इमे और इमानी, ये प्रथमा और द्वितीय लिख दी हमने। प्रथमा याद करने पर द्वितीय स्वतः ही याद हो जाएगी। अब जो तृतीया से लेकर सप्तमी तक विभक्ति है वो पुल्लिंग की ही है, पुल्लिंग की क्या है अनेन, तो यहां भी क्या हो जाएगा अनेन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या है अस्मयी, तो यहां भी अस्मयी, अस्य, पांचवी क्या है अस्मात, तो अस्मात, यानी जो पुल्लिंग की विभक्तियां हैं वही नपुंसकलिंग की विभक्तियां होती है, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, प्रथमा होती है वही द्वितीय होती है, इसलिए केवल एक ही याद करनी है इदम शब्द नपुंसकलिंग की या तत् शब्द नपुंसकलिंग की, एक एक विभक्ति केवल प्रथमा याद करनी है, प्रथमा है वही द्वितीय है, शेष तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के अनुसार ही चलेगी। तो यहां मैं लिख देता हूं तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के अनुसार ही होगी, अर्थात जो पुल्लिंग है वही यह होगी। अब इदम शब्द की व्यक्तियों की आवश्यकता कहां पड़ती है, जैसे एक वाक्य है राम इन पुस्तकों को पढ़ता है। अब इस वाक्य की आप संस्कृत बनाओगे तो यहां एक बाकी वाक्य नहीं बनाना, अभी हम वाक्य नहीं बना रहे, केवल इस इन शब्द आ गया। जैसा कि आपको पता है किसी भी वाक्य में कहीं पर भी इस या इन ये दो शब्द आ जाते हैं तो इनकी संस्कृत बनाने के लिए सिर्फ इदम शब्द की व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, और वो अगर याद नहीं है तो हम इन दोनों शब्दों की संस्कृत नहीं बना सकते। तो यहां शब्द है इन, इन का मतलब बहुवचन, ये शब्द किसके लिए आया है पुस्तकों के लिए, तो यहां पुस्तक कौन सा लिंग है नपुंसकलिंग, इसका मतलब यहां इदम शब्द की नपुंसकलिंग की विभक्ति काम आएगी। वचन कौन सा बहुवचन, विभक्ति कौन सी आगे देखो कारक का चिन्ह क्या है को, किस कारक का चिन्ह है भाई कर्ता ने कर्म को, किस कारक का चिन्ह है कर्म कारक का, और कर्म कारक कितने नंबर पर कर्ता ने कर्म को दो नंबर पर, इसका मतलब यहां द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन, तो यह द्वितीय व्यक्ति है और यहां बहुवचन है, इसलिए इस इन शब्द की संस्कृत हो जाएगी इमानी। इसलिए अलग अलग शब्दों की संस्कृत बनाने के लिए आपको इदम शब्द की विभक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।